ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर। आज शहर संभल में पूर्व सांसद डॉक्टर शफीक रहमान परफ ने आसिफा और रेप से पीड़ित महिलाओं के इंसाफ के लिए एक रैली निकाली। इस रैली में एमएलए उपविजेता जिया उर रहमान, वर्क एडवोकेट तौफीक अहमद, समाज सेवी शान मोहम्मद जमाल एडवोकेट और हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। इस रैली का आगाज डॉक्टर वर्क के निवास से हुआ और इस रैली का अंत चंदौसी चौराहे पर हुआ। सारे देश में हाहाकार मच चुकी है जिसके खिलाफ जो जिनात का मामला है और बलात्कार का मामला है, सारी दुनिया हिल गई। हमारा मुल्की नहीं इसकी आवाज बाहर भी पहुंची है, ये आवाज बाहर भी पहुंची है, यहाँ तक पूरी दुनिया गए तो आवाज उठाई गई, उनको वो पैसा आ गया। तो इसलिए ये तो हमारे मुल्क का मामला है और इसमें जब तक मतलब यह है कि उन मुजरिमों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक ये देख नहीं सकता और लोग इसी तरीके से ये काम करेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि जो उन्होंने पॉलिसी 12 साल की उम्र तक की लड़की के लिए बनाई है इसको हटाकर बल्कि कोई भी बलात्कार करे कुछ भी हो और आज मुल्क बहरहाल इस बात को देख रहा है और सारे लोग तो इसी तरफ है कि कल आने वाले वक्त में ये इस सिलसिले में क्या फैसला है। इसलिए मेरी कमजोर अपील है गवर्नमेंट से भी कि मोदी जी कभी इस मुल्क पर कम खाएं, बतेरे दिनों ने उन्होंने राज कर लिया लेकिन आप पब्लिक नहीं चाहती कि वो इस देश में मुकर्रा रहे। इसलिए हमारी मांग है कि इस देश को बचाने के लिए जनता की ख्वाहिश है कि इस देश के निजाम को बदला जाए और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त ये फैसला करेगा कि निजाम जरूर बदला जाएगा। जब ये हालात बदलेंगे, जब ये बलात्कार और सारी सजाएं खत्म होंगी, इसको किसे दोषी मानते हैं आप? अगर दोषी हमको सारी गवर्नमेंट मान रहे गवर्नमेंट जब इसमें कुछ नहीं कर रही इसमें योगी भी और दोषी भी सारे जिम्मेदार हैं। मोदी यह खाली संबल नहीं, ये एहतजाज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर हो रहा है और जो घटना खास तौर से जो कश्मीर के अंदर आसिफा के साथ बच्ची के साथ हुई और वो घटना खाली हम इसे बलात्कार कहें तो बहुत छोटी बात होगी। बलात्कार से भी कई हजार गुना उसके साथ में जो जुल्म ज्यादती और बर्बरता की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले बर्दाश्त। और ऐसे जुल्म को, ऐसे जालिमों को हमारी मांग है सरकार से और कोर्ट से कि ऐसे लोगों को लंबी तारीखें देकर के केस न लटकाया जाए और न ही केस को खोलने की कोशिश की जाए दवाओं के अंदर। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को एक महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए, फांसी पर लटकाया जाए और खाली कश्मीर कठुआ के अंदर नहीं बल्कि वो उन्नाव के अंदर घटना हुई या राजस्थान गुजरात हो गई। हम चाहते हैं ऐसे तमाम लोगों को फांसी दी जानी चाहिए और जो लोग इस केस को किसी दबाव के तहत या इसका रुख बदलना चाहते हैं या उनका समर्थन ये बात कहकर कर रहे हैं कि ये बलात्कार नहीं हुआ है, नहीं तो बल्कि ये मांग है उनके अंदर से ही मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाए और बल्कि मैं तो कहूँगा। अच्छा, ये